सो गाइज वेलकम टू योर चैनल रैसल वर्ल्ड। तो गाइज आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले WWE जो काफी सारे इंटरेस्टिंग और बड़ी अपडेट्स के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे रोमन इग्निटी एक एडवाइस ब्राउन स्ट्रोमन को उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के बाद इस हफ्ते रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिली, और CM Punk का क्या कहना था अंडरटेकर पर्सन AJ Styles के बॉर्नयार्ड मैच को लेकर। तो गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी टॉपिक पे, आखिर CM Punk का क्या रिएक्शन रहा अंडरटेकर पर्सन AJ Styles के बॉर्नयार्ड मैच को लेके। तो गाइज जैसे मीना 36 में हमने मैच देखा था अंडरटेकर पर्सन AJ Styles के बीच में, जो कि काफ़ी खतरनाक मैच भी था और सारे लोगों ने उस मैच को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया था। और आज जब WWE बैक स्टेज के अंदर आते CM Punk, तब उनसे पूछा गया AJ Styles पर्सन अंडरटेकर के मैच के बारे में, तो उन्होंने उस मैच की काफ़ी तारीफ की और CM Punk ने कहा वह मैच बहुत ही अच्छा भी था और मैं फ्यूचर में शायद और भी ऐसे मैच देखने को मिल जाए तो और भी मजा भी आएगा। तो वह CM Punk का भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन रहा अंडरटेकर वर्सेस AJ Styles को मैच को लेके, और सारे रेसलिंग फैंस का भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन था इस मैच को लेके। सो गाइस बात करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, आखिर इस हफ्ते रॉ को कितनी व्यूअरशिप मिली। तो गाइस पिछले हफ्ते जो रॉ को व्यूअरशिप मिली थी, जो कि WrestleMania के बाद पहली रॉ थी, उन्हें मिली थी 2.12 मिलियन व्यूअर्स के लिए। ये बात करें इस हफ्ते रॉ की तो वो और भी घट चुकी है, और इस हफ्ते रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.91 मिलियन व्यूअर्स की। लेकिन गाइज इस हफ्ते का रॉ काफ़ी अच्छा था, हमने डू मैकइंटायर पर्सन सेट रॉलिंस के बीच में अनबन भी देखा था, और गाइज काफ़ी अच्छा रॉ का एपिसोड था, लेकिन व्यूअरशिप काफ़ी कम भी आई है। सो गाइज बात करते हैं अपनी फनी स्टोरी की तरफ। तो गाइज रिसेंटली ब्राउन स्ट्रोमन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक फोटो पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने अपने कितनी भी टाइटल्स जीती है, कितनी मनी इन द बैंक जीती है, सारे कुछ एक ही फोटो में डाल के रखा था और उन्होंने पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और गाइज इसमें कमेंट करते हुए रोमन रीन्स ने लिखा है बी हम्बल। तो गाइस ये एडवाइस था रोमन रीन्स का ब्राउन स्ट्रोमन के लिए उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के बाद भी। अगर ऐसे बात किया जाए तो ब्राउन स्ट्रोमन जो कि बेस्ट फ्रेंड है रोमन रीन्स के रियल लाइफ में, भले ही वो हमें टीवी पे बड़े ही लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो लोग रियल लाइफ में काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी है। अगर यही ओपिनियन था जो कि रोमन रीन्स ने दिया ब्राउन स्ट्रोमन को। सो गाइस मे बी जब रोमन रीन्स अपना रिटर्न कर लें, उसके बाद हमें मैच देखने को मिलने वाला है रोमन रीन्स पर्सन ब्राउन स्ट्रोमन के बीच में भी। अगर तब तक शायद ब्राउन स्ट्रोमन का यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने पास रखना ही चाहिए, और मनी इन द बैंक का मैच भी होने वाला द फिंड पर्सन ब्राउन स्ट्रोमन के बीच में। आखिर गाइस इस मैच में कौन जीतेगा, आपका फेवरेट कौन, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा।